हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो डेट के आधार पर डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करने को लेकर के है। तो चलिए आइए समझते हैं कि इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इज इक्वल टू का निशान लगाना है, ठीक है। इज इक्वल टू आज तक के करेंट डेट से डेट ऑफ बर्थ की गणना हम करेंगे। तो ईयर पता करेंगे हम, कितने साल का ये व्यक्ति हुआ, ठीक है। तो अभी क्या करता हूं मैं, यहां पर चाहे तो आप एक डेट रख सकते हैं, लाइक यहां पर अगर आप डेट रख देते हैं कोई, ये लाइक इस तरीके से, और यहां हूं, ठीक है। यहां पर मैं वो डेट लिख देता हूं जिस डेट से गणना करनी है डेट ऑफ बर्थ की, ठीक है। तो ये लिख दिया, 2021 की बात कर रहे हैं हम, तो ये लिख दिया यहां पर हमने। इसका कलर मैं यहां से बदल देता हूं, ये ब्लू कर देता हूं, अब ये ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब यहां पर हमको इसी के आधार पर डेट ऑफ बर्थ पता करना है। तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, वही पुराना फॉर्मूला जो आप एक्सेस में भी यूज कर चुके हैं, डेट डिफ, यही यूज करना है हमको। और इसको लगा लेने के बाद सबसे पहला काम आपको ये डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। कर लिया, कॉमा दे दीजिए। कॉमा देने के बाद क्या करना है, कॉमा देने के बाद ये दूसरा वाला जो लास्ट यहां तक का हमें कैलकुलेट करना है, तो ये हमने ले लिया। और फिर यहां पर आपको प्रेस करना है वाई, आप एक बार लिखिए या चार बार लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप एक बार भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये लिखिए, फिर बंद करिए, ये 15 साल के हुए, ठीक है। अब इसी तरह से आप ड्रैग करवा देंगे तो सबका डेट ऑफ बर्थ आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पर देख सकते हैं कि वैल्यू नम इस तरह का कुछ एरर इसमें शो हो रहा है, क्यों आ जा रहा है। तो अब ध्यान से देखिए, यहां पर जो पहले कॉलम में मैंने फॉर्मूला लगाया है वहां B5 और C3 है। तो B5 का मतलब ये हो गया यहां पर डेट ऑफ बर्थ जो लिखी हुई है, और C3 का मतलब ये हो गया। अब जैसे ही नीचे आते हैं तो ये C3 बन जाता है C4, भाई B4 तो B5 बनेगा, लेकिन C3 जब C4 बन जाएगा तो वहां पर तो उसे कोई वैल्यू ही नहीं मिलेगी, ठीक है। तो प्रॉब्लम इसलिए हो रही है। तो इसको सही करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपली यहां पर क्लिक कीजिए, F2 प्रेस कर लीजिए फॉर्मूले को एडिट करने के लिए। और आपको केवल चेंज क्या करना है, हमें यहां पर फिक्स करना है रो को। तो यहां पर रो को डॉलर लगा करके फिक्स कर दीजिए, ये डॉलर वाला तरीका मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, ठीक है। अब इसको आप ड्रैग करवाएंगे तो आपका सारा आंसर आपके सामने ये देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा, बहुत ही ईजी है, आसान है, और आप आसानी से ये कर भी पाएंगे। तो आई होप कि आपके ये बात समझ में आ गई होगी कि इसे कैसे करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।